तो स्टूडेंट, आज हम सेट्स, गुड मॉर्निंग वैभव एंड ऑल दिस स्टूडेंट्स, शंतनु, आयुष, ऋषिकेश, अभिषेक, अदेश, अजिंक्य, आशुतोष, चैतन्य, गौरव, हिमांशु, जयदीप, कुणाल, पीयूष, पूर्वा, रामेज, रमेश, रितेश, रोहित, साई, शंतनु, शिवम, तन्मय, वैभव एंड वन एंड ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो सेट चैप्टर हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, उस चैप्टर के ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहला एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, हम जो देख रहे हैं, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लासेस। पहला एमसीक्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज, ऑप्शन ए है नल सेट, नंबर बी है फाइनाइट सेट, सी है इनफाइनाइट सेट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए स्टूडेंट, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास, चार ऑप्शन आपके सामने है, नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड नॉन ऑफ दीज। तो क्या आंसर है आपके साइड से? यस, वेरी नाइस। और ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। इट इज अ फाइनाइट सेट, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ऐसा सेट है स्टूडेंट्स, फाइनाइट सेट है, क्योंकि क्लास में के स्टूडेंट की जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है वो नल सेट तो नहीं हो सकता, इनफाइनाइट भी नहीं सकता, क्योंकि काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं उसको हम। और तीसरा ऑप्शन है फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट मीन्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सपोज इन अ क्लास 80 स्टूडेंट्स है तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स 10, 20, 30 तक हो सकते हैं और वो फाइनाइट काउंट कर सकते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बी, वेरी नाइस, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट, क्वेश्चन नंबर टू, सेकेंड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की है, जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए उसी के ऊपर, जो ऑपरेशन हमने डिस्कस किए हैं उसी के बिलोंगिंग हम एमसी से डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट, जो नीचे दिए गए सेट है उसमें एम्प्टी सेट कौन सा है यह हमें बताना है स्टूडेंट। ऑप्शन ए है द सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर,
and x square minus 1 equals to 0. ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी है, x is the set of all x, x is a real number. And x square plus 1 equals to 0. Set C है, x is the set of all x, such that x is a real number. And x square minus 9 equals to 0. And set D है, is the set of all x such that x is a real number. And x square equals to x plus 2. These are options, students. और क्या options है, आप में आपको सही option select करना है. आयुष का आंसर आ गया है, वैभव का भी आया है, वेरी नाइस. और शंतनु, चैतन्य, आयुष, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाई यू हैव टू चूज बी? आयुष, वेरी नाइस. अभिषेक, जयदीप, रीजनिंग एक्स विल नॉट बी रियल नंबर, ओके, वेरी गुड. वैभव, यो आपका आंसर सही है. वैभव, स्टडी निरंतरता से चल रही है, वो मुझे नोट्स भी भेजते हैं, जो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं वो भी मुझे भेजते हैं. हेलो वैभव, क्या आप रीजन बता सकते हैं व्हाई यू चूज द ऑप्शन बी? गौरव, वेरी नाइस. चैतन्य, ओके, एक्स इज नॉट रियल, ओके. देखिए स्टूडेंट्स, इसका रीजन ये है, पहला ऑप्शन जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वन, एक्स इक्वल टू क्या है, प्लस और माइनस वन. पहला ऑप्शन ये है, एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन है, एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस वन है, प्लस वन माइनस वन दोनों भी रियल नंबर. सेकंड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन है, तो एक्स इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू क्या है, रूट माइनस वन, माइनस वन, आई कैसा है, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर है, और एक कॉम, इमेजिनरी है तो रियल नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, रियल नंबर. इसका रीजन ये है स्टूडेंट, रियल नंबर नेवर बी नेगेटिव, रियल नंबर नेगेटिव होता है, मतलब लेकिन उसका स्क्वायर में नहीं, आप समझ लो, रियल नंबर नेगेटिव होता है लेकिन स्क्वायर उसका पॉजिटिव होता है, रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो ये नंबर है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर नेगेटिव है, इसलिए ये एम्प्टी सेट होगा. सेकंड थर्ड वन भी एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस थ्री होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी आप रूट निकाल सकते हैं स्टूडेंट. तो स्टूडेंट देखिए, इसके रूट्स होंगे माइनस टू एंड वन. तो देखिए, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के रूट से माइनस टू और वन, तो ये रियल है,
बी ए भी रियल है प्लस और माइनस थ्री, बट ए ऑप्शन बी जो है इक्वल टू माइनस वन, इट इज नॉट रियल, इट इज इमेजिनरी। तो देखो स्टूडेंट, आपका सही आंसर क्या होगा, बी सेट विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, ऑप्शन बी है। बाकी सभी स्टूडेंट्स का क्लियर हो गया है ये एमसीक्यूज? यस सर। सेट्स और रिलेशन के ऊपर से एमसीक्यूज? डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके अगला देखेंगे अभी थर्ड वाला। इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ए, इफ अ सेट ए हैज एन एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए आर, ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी एन स्क्वायर, ऑप्शन सी टू रेस टू पावर एन, एंड ऑप्शन डी 2n. Yes, students. ये लिया है हमने, इस टाइप का एक एग्जाम्पल लिया था हमने, देखो इस टाइप का एग्जाम्पल भी लिया था। ओके रामेश वैभव सर, काफी अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, काफी स्टडी चल रही है, इसका मतलब मैं संतुष्ट हूँ। रोहित वेरी नाइस सर, टू एन टू चैट बॉक्स में लिखकर भेजना है स्टूडेंट्स जो कि आपका आंसर है। तो चैतन्य आदेश आशुतोष अभिषेक जयदीप चैतन्य ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसका सही आंसर है टू रेस टू पावर एन, क्योंकि पी ऑफ ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए। ये क्या है, इफ ए इफ अ सेट ए हैज एन एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, इफ पी ऑफ ए वाला एग्जांपल है, पी एन ऑफ पी ऑफ ए मैंने ए लिख कर भी दिया था, एन ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू टू रेस टू पावर एन, एन ऑफ पी ऑफ ए इज टू रेस टू पावर एन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए मीन्स number of elements in a power set of a, number of elements in a power set of a का example था students से, और काफी सारे students ने इसका सही जवाब दिया है। Hello army, बहुत अच्छा well perform कर रहे हैं sir, same to same एकदम शर्मा में भी है ना, very nice very nice। तो मैं सभी collection of examples ले रहा हूँ, ये एनडीए के आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट।
ओके स्टूडेंट्स, अगला एमसीक्यू देखते हैं हम. इफ ए इक्वल टू 1, 2, 3, बी इक्वल टू 3, 4, इफ अ सेट ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स 1, 2, 3, सेट बी हैज, आप लिखना है स्टूडेंट्स, आपको भी एग्जाम्पल लिखकर करना है, डोंट मेक ओरली. एंड सी इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 4, 5, 6. Then A union B intersection C is Hello students. तो इसके मैं ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि आप ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं. मूव प्लीज मूव. One, two, three, four. Adesh Pati. हेलो आर्मी, क्या हुआ, सॉल्व किया आपने? देखो स्टूडेंट्स, इसमें पहला है बी इंटरसेक्शन सी. बी इंटरसेक्शन सी मींस द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट बी एंड सी. बी और सी में कॉमन कौन है? 4 है, ये होगा बी इंटरसेक्शन सी. अभी इसमें उसका यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. Means, ए सेट ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है. उसमें एलिमेंट्स आएंगे देखो 1, 2, 3, 4, ये होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होगा ये 1, 2, 3, 4. समझ रहे स्टूडेंट्स अभी? यस सर. बी इंटरसेक्शन इज कॉमन एलिमेंट बिटवीन बी एंड सी, दैट इज 4 कॉमन है. और उसका यूनियन अगर हम ए के साथ लेते हैं 1, 2, 3 और ये 4. यूनियन का मतलब है आइदर फ्रॉम ए और बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होता है स्टूडेंट. नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं अभी. इफ ए एंड बी आर इन two sets, then if A and B are two sets, then if A and B are two sets, then
then A union B, then A union A intersection B is equal to ऑप्शन ये है फाइ, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है बी, ऑप्शन डी है ए यूनियन बी। देखो स्टूडेंट्स सही जवाब देना है आपको ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। फाइव वेरी एक आंसर है वैभव ऑप्शन ए। रमेश देखिए स्टूडेंट इसका ऊपर का एग्जांपल लेकर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो एक सेट ए सेट बी एनी टू सेट का है क्वेश्चन पढ़िए इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। देखो सेट ए है 1 2 3 सेट बी है 3 4 तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा स्टूडेंट्स इसमें ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन कौन है 3 है और उसका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन आप ए के साथ लेना है तो आइदर फ्रॉम ए और ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 3 है तो आएगी 1 2 3 दैट इज इक्वल टू ए क्योंकि ये सेट कौन सा आ गया ए सेट आ गया। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होता है स्टूडेंट हेलो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होता है सेट ए होता है जो कि ऑप्शन बी है आपका। समझ रहे स्टूडेंट सभी हेलो आर्मी आर यू एंजॉइंग द लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज देख रहे हैं। जो भी पार्ट आपको नहीं समझेगा वो वापस यहाँ पे फिर रिपीट होने वाला है एक्स्ट्रा लेक्चर्स में एकेडमी में आने के बाद एक्स्ट्रा लेक्चर में इससे भी रिपीट होएगा। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी कि आपको सॉल्व करना है इफ द सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज किस नंबर का इफ द सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज If the sets A and B are defined as A is the set of all XY such that Y equals to 1 upon X. Y क्या है 1 upon X है X is not equal to 0 and x belongs to set of real numbers. The set A hai aur set B is a set of all xy such that y equals to minus x. X is not equal to 0 and x belongs to R. Dekho students kafi interesting MCQ chal rahe hai yahan pe. So hum इसके ऑप्शंस है ए
A intersection B is equal to A. ऑप्शन बी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी. ऑप्शन सी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव. एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. यस स्टूडेंट्स, रमेश सी है, वैभव का भी आंसर सी और बी है. थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है मुझे वैभव यहाँ पे. ओके अगेन और कोई है सॉल्व कर रहा है जो स्टूडेंट्स यहाँ पे. हेलो आर्मी सी ओनली आदेश पाटिल सी. सर कंफ्यूज प्लीज. चलो ओके ओके और एक 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स आपको. ट्राई करना है आप. सी ओके और कोई स्टूडेंट्स है. हेलो आर्मी समझ रहे सभी. कुछ डाउट्स है. बी अनिकेत देखो स्टूडेंट क्या क्वेश्चन है यहाँ पे. एक्स इज अ रियल नंबर है. सेट ये क्या होगा देखो एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है तो इसमें एक्स और वाई एलिमेंट्स है. समझो एक्स की वैल्यू एक्स अगर वन लेते हैं तो वाई भी वन होगा. एक्स अगर टू लेते हैं तो
तो y क्या होगा 1 बाई टू, क्योंकि y इक्वल टू 1 बाई x है। देखो स्टूडेंट सेट a को समझ लीजिए आप, ये एक a इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, x और y से दो इस एलिमेंट है, इस ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको a, x कॉमा y। अभी x की वैल्यू आप माइनस थ्री ले लो फॉर एग्जांपल, तो y क्या होगा माइनस वन बाई थ्री होगा। x अगर समझो आप 9 लेते हैं तो y क्या होगा माइनस वन बाई नाइन होगा, 1/9 होगा। ये सेट ए तैयार होगा इसका। अभी सेट बी क्या है, अगर सेट x 1 लेते हैं तो y क्या है यहाँ पे माइनस वन है, y इक्वल टू माइनस एक्स, जो x है उसका अपोजिट साइन लेकर y बनता है माइनस। यहाँ पे अगर x 2 लेते हैं y क्या होगा माइनस 1/2 होगा, सिर्फ साइन अपोजिट है, सॉरी माइनस 1/2 तो माइनस 2। x अगर आप माइनस 3 लेते हैं तो y क्या होगा प्लस 3 होगा, x अगर आप 9 लेते हैं y क्या होगा माइनस 1/9 होगा। तो सेट ए और सेट बी में ऐसा कोई सर 1/9 है सिर्फ, देखो सिर्फ माइनस 9 आएगा। हाँ वो ही बोल रहा था मैं, सिर्फ 9 है। यस, अगर x 9 है तो y क्या होगा माइनस 9, नेगेटिव 9। यस यस, तो देखो स्टूडेंट इसमें कोई आपको कॉमन एलिमेंट दिख रहा है सेट ए और सेट बी में, इज देयर एनी कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट ए एंड सेट बी? नो नो नो। तो इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट ए एंड बी। देखो स्टूडेंट सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कोई भी नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन उसका नल सेट आएगा। तो समझ रहे हैं सभी? हेलो आर्मी, क्या डाउट है इसमें आपको कोई अभी? नो सर। ओके ओके, वेरी नाइस। तो अभी हम तो केयरफुली अगर आप देखते हैं, ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू 1/x। नंबर मन से भी ले सकते, मन से भी ले सकते, यस यस मन से भी ले सकते हैं आप। तो y क्या है x का रेसिप्रोकल है यहाँ पे a में, और b में y x का नेगेटिव है, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। अगर कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है तो उसे नल सेट कहते हैं, एंड नल सेट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल phi। नल सेट का नोटेशन क्या है स्टूडेंट, phi। तो वी क्या लेते हैं ग्रीक, ये ग्रीक लेटर है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है phi, phi। ये हो गया आपका एक कंप्लीट सिक्स नंबर का एमसीक्यू हो गया स्टूडेंट। समझ रहे हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं? हेलो सर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम सेवन नंबर का एमसीक्यू है, लेट एन ऑफ यू इक्वल टू 700। एन ऑफ ए 200, एन ऑफ बी 300।
n of A200, n of B300, n of A intersection B100. Then n of complement of B intersection complement of C, n of complement of, then n of complement of A intersection complement of B is equal to option A has students 400, B has 600, option C has 300, option D has 200. देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, यहाँ पे आप सॉल्व करना है इसको, रीड इट केयरफुली. Okay. Shantanu also 300. Ayush, Aniket, Adesh, very nice. Ashutosh, सर नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं. n of u है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 700, n of a सेट a के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज 200, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज 300, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इंटरसेक्शन b इज 100. Then we have to find out n of complement of A intersection complement of B. So क्या आपको क्या रिव करना है? Number of elements in the set complement of A intersection complement of B is equal to. देखिए students, पहले हम find out करेंगे n of A union B. N of A union B is n of A plus n of B minus n of n of A intersection B. N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B. N of A 200, N of B 300 minus N of A intersection is 100. That is 400 आ गए. देखिए students, N of A union B is 400. और ये N of complement of A intersection complement of B ये क्या होता है? n of a union b complement होता है. देखो स्टूडेंट्स, पहले इसको समझ लेते हैं प्रॉपर्टी को. ये डी मॉर्गन्स लॉ है. n of a union b complement इज complement of a intersection complement of b. दिस इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ. हमने देखा है ये कैसे A union B complement is equal to complement of A intersection complement of B. यहाँ पे dash use किया था. ये डी मॉर्गन्स लॉ हमने देखा है स्टूडेंट. यहाँ पे इसके लिए a to the power c use किया है. तो देखिए complement of A intersection complement of B is equal to A union B complement. अभी A union B complement क्या होता है?
A union B complement, N of A union B complement equals to N of U minus N of A union B. Minus N of A union B का complement क्या होता है? Number of elements from this universal set U minus N of A union B. N of A union B आपके पास है 400. N of U है 700. That is 700 minus 400 is equal to 300. Option C is the correct answer है students. क्या समझ रहे हैं सभी? Yes sir. Hello army. Okay. Now we discuss the next one, eighth one. अगला एमसीक्यू देखते स्टूडेंट्स. इन अ सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय कार. इन अ सिटी 20% ऑफ पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय कार. And 10% travels by boat. 10% of population travels by boat, then number of population travels by car or bus is. Number of population travels by car or bus is. A 80%. B 40%. C 60%. And D 70%. देखिए स्टूडेंट्स, आपको सॉल्व करना है. मैं आपको इसके लिए 60 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं. 60 सेकंड्स का टाइम आपके पास है.
हेलो अर्मी, 60%, ओके, वेरी नाइस, वो इज देयर एनीबॉडी? वैभव, देन हेलो स्टूडेंट्स, आयुष, आंसर बताओ आपका, फाइनल ऑप्शन बताओ आयुष। शंतनु 60%, शंतनु का ऑप्शन जो 60% है सी। आशुतोष का भी ऑप्शन है सी। हेलो आर्मी, हाय एवरीबॉडी। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार से ट्रैवल करने वाले पॉपुलेशन है NOC 20 और बस से NOB है 50 और बोथ NOC इंटरसेक्शन बी, बोथ मीन्स इंटरसेक्शन, कार और बस से ट्रैवल करने वाले कितने हैं? 10% है। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन ट्रैवल बाय कार और बस, सी और बी, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज हमने यूज किया है एन ऑफ सी यूनियन बी नोटेशन। हमने कार के लिए सी यूज किया है, बस के लिए बी यूज किया है, दैट इज एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, दैट इज 10 प्लस 50 माइनस 10, 60%। तो ऑप्शन सी सही है स्टूडेंट, 60%। हेलो आर्मी, हाय एवरीबॉडी, समझ रहे हैं अभी सब? देखो आपने सही सॉल्व किया इसको, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 60%। शंतनु, ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम इफ ABC आर एनी थ्री सेट्स देन, if a b c are any three sets, then if a b c are any three sets, then a cross b intersection c is equal to नंबर वन ऑप्शन ये है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ऑप्शन बी है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी इंटू ए इंटरसेक्शन सी, ऑप्शन सी है, ए यूनियन बी क्रॉस A intersection B, and option D है none of these। देखिए स्टूडेंट, जल्दी से आपको इसको सॉल्व करना है। हाय आर्मी, इसको जल्दी से फिल करो।
ऑप्शन बी, आयुष का कहना है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके हेलो यस सर बी बी इज द आंसर. ओके और इज देयर एनीबॉडी वैभव सी. ओके तो देखो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर मैं आपको बताने शेयर करने जा रहा हूं. इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ए. देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जिसको वी कॉल इट एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन A cross C. This law is known as distributive law. Distributive law. Excuse me, sir. हाँ, yes. Sir, फिर De Morgan law कब लगती है? De Morgan's law सिर्फ complement में लगती है. De Morgan's law कब कभी भी यहाँ पे लिख रहा हूँ. A complement. Intersection B. कॉम्प्लीमेंट है सर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी एंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. डी मॉर्गन लॉ कॉम्प्लीमेंट में लगता है. डी मॉर्गन्स लॉ सिर्फ कॉम्प्लीमेंट में यूज करते हैं स्टूडेंट. तो अगला एमसीक्यू देखते हैं हम. विच इज द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स. विच इज द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स. ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 2, ऑप्शन सी है 1 एंड ऑप्शन डी है. देखो स्टूडेंट्स, सिर्फ एक सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए, तो 2.5 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे आज. सिर्फ एक सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए स्टूडेंट. शंतनु वेरी नाइस, ये तो डेफिनेशन ही है. एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. एम्प्टी सेट क्या होता है स्टूडेंट? सभी सेट का सबसेट होता है. ओके स्टूडेंट्स, इस लास्ट एग्जांपल लिखते हैं अभी हम. टाइम बनते जा रहा है, टाइम लास्ट एमसीक्यू लेते. द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट, द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट,
the smallest set A such that A union A union 1 comma 2 is equal to 1, 2, 3, 5, 9. A union 1, 2, 3, 5, 9 is the smallest set A find out करना है. Option A होगा 1, option B होगा 5, option C होगा 3, 5, 9, option D होगा 2, 3, 5. देखिए स्टूडेंट, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन 1, 2 ये सेट आ रहा है, तो ये की सेट ए क्या होना चाहिए. इट इज द सेट ए. शंतनु वेरी नाइस, सोहम वेरी नाइस, वैभव ऑल्सो गिवन द करेक्ट आंसर, ओजस वेरी नाइस, 3, 5, 9 वेरी गुड. देखो स्टूडेंट्स, अगर ये 3, 5, 9 है तो 3, 5, 9 यूनियन 1, 2 योगा 1, 2, 3, 5, 9 1, 2 इज अ कॉमन, 1, 2 ये सेट ए के एलिमेंट्स है और ये सेट बी में है. अगर 3, 5, 9 आता है दोनों का यूनियन बनता है 1, 2, 3, 5, 9. स्टूडेंट्स आई होप टूडेज लेक्चर इज फ्रूटफुल फॉर यू. आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किया है सेट टॉपिक के, और कल के लेक्चर में भी और कुछ हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. थैंक यू, आई होप टूडेज लेक्चर इज फ्रूटफुल फॉर यू. थैंक यू स्टूडेंट. थैंक यू सर. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा.